बहरोड थाना क्षेत्र के बुढ़वाल गांव में सोमवार रात को चोर पुलिस कांस्टेबल मनोज यादव और मैनपाल यादव के घर पर धावा बोलकर कमरों में रखे जेवरात और नकदी चुरा लिए। सुबह जागने पर तीनों कमरों को खुला और सामान इधर उधर बिखरा हुआ देखकर पुलिस कांस्टेबल को चोरी हो जाने का पता चला, जिसकी सूचना ड्यूटी पर तैनात मनोज को दी गई। मनोज ने बहरोड थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसकी सूचना मिलते ही बहरोड डीएसपी कृष्ण कुमार ने थाना अधिकारी और पुलिस जवाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और साइबर टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी। बहरोड से मयंक की रिपोर्ट। अभी पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस की सूचना में मैं और एसएचओ मैं जाप्ता यहाँ पहुंचे और हमने पता किया तो लगभग एक बजे से, रात को एक बजे से पाँच बजे के बीच में चोरी होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। और परिवादी के जो द्वारा जो बताया गया है, चोरी में एक कान का टोपस, दो अंगूठी सोने की, दो पाजेम और लगभग 35,000 रुपये नकद चुरा के लेकर गए हैं।